क्या मांगा? मैं बहुत कुछ मांगा, लेकिन पहली बार तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, और क्योंकि इतना हिस्टोरिक है और ये पहला है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही तरह की एक एनर्जी होती है, एक अलग ही ये एक्सपीरियंस करने से ही आपको समझ आता है कि आपको क्या फीलिंग होती है वहाँ खड़े होकर, स्पेशली जो महाआरती थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे उन्होंने महाआरती के लिए बुलाया और मैंने वो खुद की। बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्या पसंद है मुझे? नहीं, ये मेरी पहली बार है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं लाल बाग जा चुकी हूँ ऑफकोर्स, लेकिन ये मेरा पहली बार यहाँ का एक्सपीरियंस है। पर क्योंकि ये पहला है और ये 132 ईयर्स ओल्ड है, तो उसका एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही उसकी मतलब इम्पोर्टेंस है सबके लिए। तो ये क्योंकि मुझे जब पता चला कि हमको यहाँ पे आने का इन्विटेशन मिला है, तो ऑब्वियसली बहुत स्पेशल था। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ आई, क्योंकि चांस नहीं मिलता, यू नो, कोई इन्वाइट करे आपको एंड आप यहाँ पहुँचे। सो आई एम वेरी थैंकफुल पुनीत बालन जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, बालन जी सर, एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। नहीं, पुणे में पहली बार नहीं आई हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे इनके दर्शन मैंने पहली बार किए। पुणे में बहुत बार आ चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगा। ये तो हमेशा हमेशा बॉम्बे में भी, मुंबई में भी, जो ये पूरा टाइम जब शुरू होता है, एक अलग ही तरह का माहौल होता है। और कल तो कुछ और ही होने वाला है, कल तो बिल्कुल ही आई थिंक एटमोसफियर इतना चार्ज्ड होता है, जो मैंने कहा जो एक एनर्जी है वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मुझे वो मुंबई की ये जो एक एनर्जी है, पुणे, महाराष्ट्र पूरा ही बहुत अलग है, बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ, बहुत सिंपल, बहुत ही एक कामनेस फील होती है आपको मुंबई के बाद, जहाँ पे सब कुछ बहुत कुछ यू नो मैडनेस है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ब्यूटीफुल काम एंड लोगों का बहुत प्यार है यहाँ पे, लाइक बहुत फर्क है मुंबई से।